हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अपन देख रहे थे चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश में अपन ने रणथंभौर पर चाचा भगभट्ट ने आक्रमण किया था, वो विजय हुए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात जेत्र सिंह शासक बने थे। जेत्र सिंह के बारे में, अब जेत्र सिंह के पुत्र जो है अमर देव चौहान वो शासक बनने वाले हैं। तो आज अपन अमर देव चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, अमर देव चौहान का जो शासनकाल है 1282 से लेकर 1381 तक रहता है। तो रणथंभौर के जो चौहान राजवंश का ये यशस्वी शासक कहलाया है। अमर देव चौहान जो है रणथंभौर के चौहान का यशस्वी शासक कहलाया है। ग्रंथ हमीर रासो सारंगधर ने जो 13वीं शताब्दी में लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है? पिंगल भाषा में लिखा है। दूसरे ग्रंथ हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है। हमीर हट जो चंद्रशेखर ने लिखा है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा है। हमीर रासो जो ध्रज ने 18वीं शताब्दी में लिखा। हमीर रायण पांडव व्यास ने लिखा है या गांडव व्यास ने लिखा है। जन्म 7 जुलाई 1272 ईस्वी। गुरु का नाम राघव देव। राज्य कवि विजयादित्य। पुरोहित विश्वरूप। घोड़े का नाम बादल। पिता का नाम जेत्र सिंह। माता जी का नाम हीरा देवी। पत्नी का नाम रंगा देवी। उनकी पुत्री का नाम देवल दया पद्मा देता और भाई वीरिया सुल्तान। ग्रंथ उनका श्रृंगारहार है। तो ठीक है, तो ये उनके जन्म से जुड़ी और पारिवारिक निम्न जानकारी थी। जन्म 7 जुलाई 1272, ये डेट आपको याद रखना है। अमर देव चौहान को एक चौहान वंश का कर्ण कहा गया है। प्रश्न आता रहता है अधिकतर कि चौहान वंश का कर्ण किसे कहा गया है, तो अमर देव चौहान को। गोपीनाथ शर्मा ने इनको 16 नरप मर्दानी भी कहा है या 16 विजय कर्ण भी कहा है। अमर देव चौहान ने महाकोटिजन यज्ञ करवाया था, कब करवाया था? प्रारंभ 17 दिसंबर 1300 ईस्वी में और समाप्त 17 फरवरी 1301 ईस्वी में। लगभग एक साल तक ये चला था, ठीक है। अमर देव चौहान व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष किस तरह से होता देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर दोबारा आक्रमण किया है। कब किया है? 1291 और 1292 ईस्वी में। जब 1291 वाला प्रथम युद्ध है उसको जैन या क्षण या छान की वजह से होता है। इसमें अमर देव चौहान का सेनापति गुरुदत्त सैनी मारा गया, जिसे छाइन व छण का किला या रणथंभौर दुर्ग की कंजी कहते हैं। इन युद्धों में जलालुद्दीन खिलजी को अमर देव चौहान से पराजित माना जाता है। और पराजित होने पर जलालुद्दीन खिलजी का कथन किया कहता है कि रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मैं नहीं समझता हूँ। क्या कहता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी? कहता है कि रणथंभौर के से दुर्ग 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो 1296 में दोस्तों क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। वो हत्या जो करती है उसी के भतीजे दामाद ने कर दी थी, मतलब उसका भतीजा जो था उसने उसकी लड़की से शादी कर ली थी, तो वो दामाद बन गया। उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ये शॉर्ट फॉर्म उसको एक ही में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा था और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बाकी 1296 से 1316 ईस्वी तक हम देखेंगे। तो अमर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मतलब संघर्ष होता है। रणथंभौर के अमर देव चौहान है और अलाउद्दीन खिलजी है दूसरी तरफ। दोनों में घमासानी संघर्ष होता है 5 वर्ष तक। तो यहाँ पे
अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न कारण से रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, क्या क्या कारण थे देखते हैं। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति है, दूसरी बात अमेरिका कर देने से मना कर देना कि मैं कर नहीं दूंगा, तो इसकी वजह से। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और हमीर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के मंगोली विद्रोह मोहम्मद शाह व केबू को शरण प्रदान करना, ये भी था। अज्ञात है एक ही का गुजरात अभियान, यानी अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान। 1298 ईस्वी में क्या होता है कि एक अलाउद्दीन खिलजी ने एके ने उलगू खा एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो एके ने उलगू खा व मोहम्मद शाह को गुजरात अभियान पर भेजा। तो जालौर से होकर गुजरात जाना चाहते थे, परंतु कान्हड़ देव चौहान ने नहीं जाने दिया। तब एके की सेना ने समर सिंह को भारी कर देकर गुजरात पहुंची। फिर क्या होता है, एकी की सेना ने शिवलिंग के 5 टुकड़े करके सोमनाथ को लूट लिया। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये एकी के सेनापति अलगू खां व मोहम्मद शाह जो गुजरात अभियान पर उनको अलाउद्दीन खिलजी भेजता है, तो जालौर से गुजरात जाना होता है, परंतु बीच में क्या होता है कान्हड़ देव चौहान आ जाते हैं, उनको नहीं जाने देते हैं। तो उनको एक जो एकी की सेना होती है उनको समर सिंह जो कान्हड़ देव के सेनापति हैं उनको भारी कर देकर गुजरात जाना पड़ता है, ठीक है। फिर एकी की सेना ने क्या होता है कि गुजरात में जाकर शिवलिंग के 5 टुकड़े कर लिए और सोमनाथ को लूट लिया। अब सेना जब वापस लौट रही थी तब जालौर के समीप मकराना दुर्ग के समीप खजाने के साथ विश्राम करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे सब विश्राम कर रहे थे, तो यहाँ पर उलगू खां मोहम्मद शाह के बीच में खजाने के जो धन होता है उसको लेकर मतभेद हो जाता है। इस बीच कान्हड़ देव का सेनापति उलगू खां मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण एकी की सेना जो सेनापति खजाने को छोड़कर वहीं भाग जाते हैं। क्या होता है कि जब ये सेना विश्राम कर रही होती है तो कान्हड़ देव चौहान को जो सेनापति है उलगू खां मोहम्मद पर आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है कि सेना वहीं छोड़कर उनको भाग जाना पड़ता है। तो उल्गू खां तो भाग कर कहाँ चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास वापस चला जाता है, तथा मोहम्मद शाह जो होता है हमीर देव के पास रणथंभौर में शरण लेता है। मोहम्मद शाह वापस क्यों नहीं जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, क्योंकि वह चिमना बेगम के साथ उनका संबंध था, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं था। वो उसने खजाने को लेकर मतभेद भी कर दिया था, इसलिए जानता था कि मोहम्मद शाह मैं जाऊँगा तो मुझे मार डाल देगा अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए वो मोहम्मद शाह क्या करता है कि हमीर देव के पास रणथंभौर में शरण लेता है। फिर कान्हड़ देव चौहान ने इन 5 टुकड़ों की शिवलिंग के रूप में स्थापना सराना गांव जालौर में कर दी। यह जो सारी घटना हमने आपको बताई है कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार, ठीक है। आगे होता है 1299 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध। 1299 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हमीर देव चौहान व दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, ठीक है। तो रणथंभौर की ओर से भीम सिंह और धर्म सिंह जो सेनापति हैं हो जाते हैं, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खां और उलगू खां होते हैं। इसमें से नुसरत खां मारा जाता है और यहाँ पे हमीर देव चौहान की तरफ से भीम सिंह मारा जाता है। इस युद्ध को हिंदुवाद का युद्ध कहा गया है, ये हिंदुवाद नामक स्थान पर हुआ था जो 1299 ईस्वी में। तो रणथंभौर का युद्ध 1321 ईस्वी में होता है। एके ने रणथंभौर दुर्ग के बाहर पुनः आक्रमण के लिए अपना डेरा डाला। दोस्तों ये फिर से डेरा डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 9 माह में 16 दिन तक दुर्ग के बाहर बैठा रहा, इसलिए दोस्तों 1301 ईस्वी यहाँ पे लिखा है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि कम से एक साल तक ये युद्ध चला था, कि लंबा घेरा चला था, विश्व का सबसे लंबा घेरा है अलाउद्दीन खिलजी का, कि 9 माह 16 दिन तक ये दुर्ग के बाहर बैठे रहा। तो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर
आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनापति नुसरत खान मालूमगढ़ को भेजा था, ठीक है, जिसमें से जिनका सामना हमीर के दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह से होता है। तो इस युद्ध में भीम सिंह और नुसरत खान दोनों मारे जाते हैं। जो भीम सिंह है हमीर देव चौहान का सेनापति है और नुसरत खान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, दोनों मारा जाते, दोनों में से एक एक मारा जाता है। नुसरत खान कैसे मारा जाता है कि बारूद के फटने से तथा भीम सिंह उल्गू खां के पलटवार के कारण मारा जाता है। यह युद्ध हिंदुवत नामक स्थान पर होता है। इस युद्ध में भीम सिंह की मृत्यु का आरोप हमीर देव ने धर्म सिंह पर लगाया, ठीक है, कि तूने धर्म सिंह तूने किया है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है। फिर हमीर देव ने धर्म सिंह को पद से हटाकर अंधा करवा दिया। फिर हमीर देव ने क्या किया, हमीर देव चौहान ने धर्म सिंह की जगह उसका जो भाई था भोजदेव उसको अपना मंत्री बना देता है। लेकिन धर्म सिंह जो होता है, धर्म सिंह ने कुछ समय बाद में क्या होता है कि हमीर देव का विश्वास पुनः जीत लेता है और फिर से मंत्री बना देते हैं, तो या फिर से भोजदेव को पद से हटा देते हैं। तो इस कारण एक अलाउद्दीन खिलजी को दरबार में मौका मिल जाता है और वो चला जाता है। तो रणथंभौर के हमीर देव चौहान है और एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के। तो अलाउद्दीन खिलजी जब दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है तो संधि प्रस्ताव का झूठ बोलता है, कूटने लगाता, संधि प्रस्ताव भेजाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सेनापति कौन है, एक तो रणमल है, एक रतिपाल सेनापति जाता है, संधि के लिए भेजता है, संधि प्रस्ताव भेजा। तो संधि प्रस्ताव के लिए रणबल और रतिपाल जाते हैं। तो रणबल और रतिपाल के इस संधि की शर्तें जाने के लिए पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी होता है एक एक, एक, एक हमीर के सेनापति को लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है, जो रणमल रतिपाल को, ठीक है, कि भाई तुमको मैं इतनी जो इतना जो है जो भी का पैसा है सुना है देके लालच देकर अपनी ओर कर लेता है रणमल रतिपाल को, सेनापति को, ठीक है। तो अमीर खुसरो का कथन यहाँ पे क्या है कि इस दुर्ग में सोने के दो दानों के बदले अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ने आया था। अमीर खुसरो कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ने आया था? तो इसने ऐसा कथन क्यों कहा है, क्योंकि ये युद्ध 9 माह 16 दिन चला चला। तो युद्ध तो दुर्ग में क्या होता है कि जो खाद्य सामग्री होती है वो खत्म होने लगती है। इस कारण इसने इन्होंने ये कथन कहा है कि दुर्ग में सोने के दो दानों के बदले अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो सेना दुर्ग में गुप्त रास्ते से प्रवेश कर जाती है। कैसे कर जाती है, ये रणमल ये रतिपाल हैं ये धोखा कर देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल जाते हैं और दुर्ग का रास्ता बता देते हैं। और यह भी कहा जाता है कि 1 साल की लंबी घेरा के बंदी के कारण दुर्ग में अन्न सामग्री समाप्त हो गई थी। 9 माह 16 दिन विश्व का सबसे लंबा घेरा था। इस कारण क्या होता है कि दुर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं और अमीर देव चौहान युद्ध में उतर जाते हैं और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं और अमीर देव ने केसरिया कर लेते हैं। यहाँ पर तो रानी रंगा देवी को ये देशी सूचना मिलती है तो दुर्ग में ही जल जौहर कर लेते हैं, जो कि राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जौहर या प्रथम शाखा या प्रथम जौहर करता है। तो केसरिया और जौहर मिलकर क्या होता है कि एक शाखा बन शाखा कहलाता है, ठीक है। आगे क्या होता है कि हमीर देव चौहान की जो पुत्री होती है देवल देव ने पद्मला तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी थी। जो पद्मला तालाब में कूद कर जान दी तो साथ में वो क्या होता है कि पारस पत्थर लेकर को भी कूद गई, ठीक है। आगे क्या होता है कि युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी को मोहम्मद शाह रणभूमि में घायल अवस्था में मिलता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों तले कुचल दिया था। तो अमीर खुसरो का कथन है कि अजकपुर का गढ़ या इस्लाम का गढ़। तो अलाउद्दीन खिलजी का 11 जुलाई 1321 पर रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हो गया। तो रणथंभौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो लेटी गणेश रणथंभौर, लाडला त्रि गणेश,
एक दूसरा है पद्मला तालाब, जिसमें यह मृत्यु चौहान की जो बेटी है पारस पुत्र के साथ में कूद कूद गई थी। दूसरा है बादल महल, चौथा है रनिहाड़ तालाब, पांचवा है गुप्त गंगा, छठा है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सातवां है जोगी महल, आठवां है हमीर महल, नौवां है शिवलिंग की छतरी, दसवां है हमीर की कचहरी। ठीक है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल है। आगे आता है जोरा भोरा महल या अन्न भंडार, जो 32 खंभों की छतरी यहाँ पे बनाई हुई है। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। 32 खंभों की छतरी का दूसरा सवाल है कि इसका निर्माण महाराणा सांगा की पत्नी हुमायूं की सखी कर्मावती ने करवाया था। आगे दूसरा है सुपारी महल है, जो मंदिर प्लस मस्जिद प्लस गुरुद्वारा से बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग के द्वार कौन कौन से हैं? नौलखा पुल, हाथी पुल, गणेश पुल, सूरज पुल, त्रिपुलिया दरवाजा या अंधेरी दरवाजा कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग के द्वार फिर से देखते हैं, नौलखा पुल, हाथी पुल, गणेश पुल, सूरज पुल और त्रिपुलिया दरवाजा या अंधेरी दरवाजे कहते हैं। हम्बीर की कहावत क्या है कि सिंह गमन सद पुरुष, कदली फलई कबार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न ध्वजी पार। ठीक है, तो दोस्तों कुछ हमीर देव चौहान के बारे में जीवन की चर्चा थी हमने कर ली है। आगे अपन झालर के चौहान पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।